नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा आज़ाद न्यूज़ टीवी से। आज़ाद न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं भैनी मांजरा, जहाँ पे सरपंची के लक्षणों में ये मैडम जी खड़े हुए हैं और मैदान में उतर चुके हैं। तो हम इनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, तो मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार आपका आज़ाद न्यूज़ टीवी का, कि आप हमारे घर पे आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। और दूसरा, मैं पूरे दिल से सब गांव वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि सरपंची के पद पे उठाया, और इन्हीं के सपोर्ट और वोट के कारण आज मैं उठी हूँ और इन्हीं का सहयोग के साथ ही मैं आगे बन के दिखाऊंगी। तो क्या नाम है मैडम आपका? प्रियंका। तो प्रियंका जी मैदान में उतर चुके हैं कुछ विकास को लेके। अब इनसे जानकारियां प्राप्त करेंगे कि इनके गांव में किन किन समस्याओं की दिक्कत है, क्या क्या समस्याएं आई हुई हैं। तो ये समस्याओं को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। तो मैडम जी बताइए, आपके गांव में किन किन समस्याओं की दिक्कत है? सबसे पहले तो मेन दिक्कत तो गलियों की होती है, मेन गली की, पानी की, और थाई है जो हमारे गाँव में मेन है, जो काफ़ी सालों से झज्जर पड़ी हुई है, उसको ठीक करवाना है मेन तो। और शमशान घाट है, उसकी दीवारें, छत वगैरह करवाना है, और जोड़ को ठीक करवाना है, और मेन लाइटें, स्ट्रीट लाइट जो होती हैं, उनके ऊपर काम करवाना है। अगर गांव वासियों ने मेरा सहयोग दिया, मैं इन कामों को पूरा करके दिखाऊंगी अपने दम पर। जैसे कि आपने बताया कि मतलब सहयोग करेंगे तो अच्छा कार्य करोगे, अपने वचनों में पक्के रहोगे? हाँ, पक्के रहेंगे। जो ये कार्य मैंने किए हैं, ये पक्का ही, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, जो जो मैंने बोला है उन सबको काम को पूरा करूंगी, अगर मुझे गांव का वोट और सपोर्ट पूरा चाहिए। जैसे कि आपके गांव में, हमारे समाज में काफ़ी लड़कियां पढ़ी लिखी, बहु बेटियां पढ़ी लिखी हो करके भी जैसे कि घर में बैठी हुई, उनको बेरोजगारी को लेके, कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि वो सभी के सभी अपने पैरों में खड़े हों? हाँ, सभी के सभी लेडीज़ें जो पढ़ी लिखी हैं, मैं तो चाहती हूँ कि सब जाएं, रोज़गार मिले उनको कुछ ना कुछ। और वैसे ज़्यादातर तो हमारे यहाँ गांव में जाती ही हैं, कोई टीचर है, कोई स्कूल, कोई ऑफिस में जाती है, कोई गैस टीचर लगी हुई है, कोई सरकारी हैं, सब जाती हैं। जो एक आदि हैं उनको मैं कहूँगी कि आगे से आगे बढ़ें और अपना सहयोग दें। जी, तो आप देख रहे हैं प्रियंका जी ने विकास को लेके बहुत अच्छे सवाल किए हुए हैं, और